सक्यूलेंट एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट्स होते हैं और अपने यूनिक लुक की वजह से ये हमारे गार्डन में चार चांद लगा देते हैं। तो हम सभी के गार्डन में कुछ ना कुछ सक्यूलेंट तो ज़रूर होते हैं, और नॉर्मल से भी गार्डन में अगर हम अब सक्यूलेंट कुछ रख दें तो हमारा गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल सा हो जाता है और अलग सा ही एक लुक आता है इन्हें रखने पर। और मोस्टली जो ये सक्यूलेंट होते हैं ये डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं, और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो थोड़ी सी थिक होती हैं, क्योंकि जितने भी सक्यूलेंट होते हैं वो जितना भी अपना पानी होता है वो अपनी पत्तियों में स्टोर करके रखते हैं, और इसी वजह से हमें इन्हें कम पानी देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए अपने जो पानी होता है अपने यूज़ के लिए वो अपने पत्तियों में स्टोर कर लेते हैं। तो मेरे गार्डन में भी बहुत सारे सक्यूलेंट हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ 6 स्पेशल सक्यूलेंट के बारे में बताऊंगी जो हमारे घर में पॉजिटिविटी लाते हैं, किसी भी काम को करने में हमें कामयाबी मिलती है, और इसके अलावा हमें कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है अगर इन प्लांट्स को हम अपने घरों में लगाते हैं तो। और फेंगशुई में भी इन प्लांट्स को लकी माना गया है। फेंगशुई यानी चाइनीज़ फिलॉसफी, जिनमें बताया गया है कि अगर हमें पीसफुली अपनी लाइफ को जीना है तो हमें नेचर के साथ एक बैलेंस बनाकर चलना होगा, और उसमें बहुत सारे फेंगशुई में प्लांट्स के बारे में बताया गया है, उनके बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है, और कैसे वो उन्हें अगर हम अपने घर में रखते हैं तो हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। और आज जितने भी प्लांट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी ये सभी बहुत ही अच्छे एक एयर प्यूरीफायर भी हैं, और इन्हें घरों में रखने पर हमारे घर से जितनी भी तरह की जहरीली गैसें होती हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, इस तरह के बहुत सारे गैस केमिकल्स, इन सब को ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब हमारे घर की हवा शुद्ध होगी तो नेचुरली हमारे घर में एक पॉजिटिविटी आएगी ही, और हमें एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो ये सारे पौधे ही बहुत बेनिफिशियल हैं, तो इन्हें भी आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। मेरे गार्डन में जो लकी सक्यूलेंट हैं उनमें पहला सक्यूलेंट है क्रासुला ओवाटा। चाइनीज़ फेंगशुई में इस पौधे को बहुत ही लकी माना जाता है, इसे मनी ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस प्लांट का जो शेप होता है वो कुछ ट्री की तरह होता है। इसकी स्टेम बहुत मोटी होती है और इसकी पत्तियां देखिए ओवल शेप की होती हैं, और देखने में ये प्लांट बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, और इसे हम अपने किचन में या फिर अपने ऑफिस में कहीं पर भी जो साउथ फेसिंग विंडो है वहाँ पर हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को ग्रो होने के लिए लाइट, अच्छी खासी लाइट की ज़रूरत होती है, तो इसे हम इंडोर या आउटडोर दोनों ही तरह से ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों में इसे इंडोर रखें और सर्दियों में इसे आप आउटडोर ग्रो करें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और चाइना में स्पेशली इस प्लांट को लोग अपने शॉप के या घरों के एंट्रेंस पे रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लकी माना जाता है, गुड लक लाता है। तो इस पौधे को घर में रखने पर पैसों की कमी कभी नहीं होती, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है ऐसा माना जाता है, तो इस प्लांट को भी आप अपने घर में ज़रूर रखें। नंबर 2 लकी प्लांट जो मेरे गार्डन में है वो है लक्ष्मी कमल। जी हाँ, लक्ष्मी कमल भी एक बहुत ही सुंदर सा सक्यूलेंट प्लांट है, और देखने में ये एकदम कमल की फूल की तरह दिखता है। और लक्ष्मी कमल का पौधा अगर हम घर में लगाते हैं तो हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। ये पौधा घर से नेगेटिविटी को भी निकाल देता है, इतना ही नहीं घर की आर्थिक तंगी भी इस पौधे को लगाने से कम हो जाती है ऐसा माना जाता है। इस पौधे को लगाने से घर या दुकान के वास्तु दोष अगर कुछ है तो वो भी दूर हो जाते हैं, और नॉर्थ में इस पौधे को लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में इसे अगर आप लगाएं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ये पौधा भी जैसे हम बाकी सक्यूलेंट की केयर करते हैं वैसे ही हमें इसकी भी केयर करनी है, और इसमें पानी कम देना है, और दिन में 1 से 2 घंटे की सनलाइट, हल्की धूप इसे मिलनी चाहिए, और बारिश के मौसम में इस पे पानी कम दें,
और ये प्लांट अपने बेबी प्लांट्स भी प्रोड्यूस करता है बहुत सारे। तो इस पौधे को अगर आप एक ले आते हैं तो एक से बहुत सारे पौधे आप अपने घर में इससे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट लकी सकुलेंट की बात करें तो वो है इंग्लिश आईवी। इंग्लिश आईवी भी एक बहुत ही सुंदर सा सकुलेंट प्लांट है और देखने में देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर लगती हैं और अलग ही यूनिक शेप की है। और देखिए थोड़ी सी थिक होती हैं और वैक्स कोटेड सी होती हैं, मोटी सी होती हैं ये पत्तियाँ अगर आप छूकर देखें तो। और ह्यूमिड लविंग प्लांट है ये और इसे भी घर में लगाना बहुत लकी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्लांट को लगाने से हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है और ये प्लांट पॉजिटिव एनर्जी तो क्रिएट करता ही है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नेचुरल एयर प्यूरीफायर का भी काम करता है। अगर आपके घर में ह्यूमिडिटी लेवल कम है तो ये प्लांट आपके घर में ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ाता है और नेगेटिविटी जो होती है हमारे घर में एंटर नहीं कर पाती अगर ये पौधा हमारे घर में है, ऐसा भी माना जाता है। ये एक शील्ड के रूप में हमारे घर में काम करता है, नेगेटिव एनर्जी को ये हमारे घर में नहीं आने देता है ऐसा माना जाता है। तो बहुत ही सुंदर सा प्लांट है, इसे आप चाहें तो हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। और इसकी सॉइल जो होती है वो मॉइस्ट होनी चाहिए और मतलब ज़्यादा गीला ना हो मिट्टी, ऐसी मिट्टी हो जो जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हमेशा बना रहे, एकदम से मिट्टी ना सूखे। इसे चाहें तो आप मॉस स्टिक पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा प्लांट है, बहुत ज़्यादा इसे धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है, इजी टू ग्रो प्लांट है। नेक्स्ट लकी सकुलेंट की बात करें तो वो है मिनी जेट। जी हाँ, मिनी जेट भी एक बहुत ही लकी प्लांट माना जाता है। ये भी एक सकुलेंट की वैरायटी का प्लांट है और ये आप इसकी पत्तियों को छूकर पता कर सकते हैं। इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी मोटी होती हैं और कितनी शाइनी होती हैं। तो ये प्लांट भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और जितने भी सकुलेंट मैंने बताए ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट हैं, बस आपको इनमें पानी कम देना होता है। और बात करें जेट प्लांट की तो वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे भी शुभ माना जाता है इस पौधे को, और इसे भी धन से जोड़कर देखा जाता है कि अगर ये पौधा हमारे घर में है तो हमारे घर में पैसों की कमी नहीं होगी। और जिन लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डाउन होती है तो वो अगर चाहें तो अगर अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए इस पौधे को अपने घर पर लगाएं, और इसे हम चाहें तो अपने घर पे, ऑफिस पे, शॉप पे कहीं भी रख सकते हैं। और हम जहाँ भी इसे रखेंगे ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर पैसे बढ़ते हैं। तो बहुत ही लकी प्लांट है ये भी और बहुत ही अच्छा एक एयर प्यूरीफायर भी है, तो इसे भी अपने गार्डन में आप ज़रूर लगाएं। और इसकी एक छोटी से छोटी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है, तो इसे जैसे मन चाहे हम वैसे ग्रो कर सकते हैं। बस इसकी एक ही रिक्वायरमेंट होती है, वो है सनलाइट और कम पानी। नेक्स्ट लकी सकुलेंट की बात करें तो ये सकुलेंट हम सभी के घरों में पाया जाता है और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इसके बेनिफिट्स को नहीं जानते हैं और इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं और ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। तो इस पौधे को हमें अपने घर में ज़रूर जगह देनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक एयर प्यूरीफायर भी है और इस यह एक सकुलेंट की वेराइटी है। और ये पौधे जो अपने पानी होता है वो अपनी पत्तियों में स्टोर करते हैं जेल के फॉर्म में, और वो जेल जो होता है वो जेल हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए और भी बहुत सारी मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है। तो बहुत ही अच्छा एक प्लांट है जिसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इसके अलावा ये पौधा जो होता है ये हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्स लाता है, मतलब ये पौधा अगर हमारे घर में है तो हमारे घर में एक पॉजिटिविटी बनी रहती है और ये पौधा हमें गुड लक भी देता है और हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है या फिर बैड एनर्जी है उन्हें भी ये हमारे घर से दूर करता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर ये पौधा आपके घर में है तो आपको अच्छी सेहत मिलेगी, आपके घर में धन की कमी नहीं होगी और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी ऐसा माना जाता है। और सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है जो इस प्लांट को रखने के लिए या ग्रो करने के लिए होता है वो होता है साउथ फेसिंग विंडो जो होता है, तो जो खिड़की आपकी साउथ की तरफ खुलती है वहाँ आप इसे रखें क्योंकि वहाँ इसे थोड़ी अच्छी सी लाइट चाहिए
अच्छी ग्रोथ के लिए। तो कई बार इसकी पत्तियां जो ऐसे डाउन हो जाती हैं, आपने देखा होगा, तो ऐसा माना जाता है कि इसने वो नेगेटिव एनर्जी सारी एब्जॉर्ब कर ली है। और नेक्स्ट लकी सक्यूलेंट की बात करें तो वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट है और बेस्ट हाउस प्लांट बोलिए, क्योंकि ये इजी टू ग्रो प्लांट है। इसमें बिल्कुल भी केयर ना करें और ये बहुत ही आराम से आपके घर में रह जाता है। ये पौधा आपके घर के एयर की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है रात के समय, और ये हमारे घर में एक प्रोटेक्टिव एनर्जी देता है जो हमें नेगेटिविटी से दूर रखता है। और एक शील्ड की तरह ये पौधा भी हमारे घर के लिए काम करता है कि कोई भी नेगेटिविटी हमारे घर में नहीं आ सकती है अगर ये पौधा हमारे घर में है तो बहुत ही अच्छा पौधा है और बेस्ट प्लांट है अगर आप बोलें तो मेरी इस लिस्ट में, क्योंकि बहुत ही इजी टू ग्रो है, इसके लिए कोई हमें केयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे मेरे गार्डन के 6 लकी सक्यूलेंट जिनके बारे में मैंने आज आपको बताया। तो इन प्लांट्स को आप भी अपने घर में लाएं और अपने घर में गुड लक, हेल्थ, वेल्थ बढ़ाएं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक कीप ग्रोइंग प्लांट्स, गुड बाय।